आप सभी लोग देखते होंगे कि 29 जुलाई को आपका विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड टाइगर डे के रूप में। अगर इस तरह का कोई दिवस मनाया जाता है तो उसके बारे में आपको कुछ पॉइंट याद रखना होगा। सबसे पहले तो यही याद होना चाहिए आपको कि ये किस उद्देश्य के लिए मनाया जाता है, इसका उद्देश्य आखिर क्या है। और दूसरा ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप लोगों ने कब मनाया था इसे। और तीसरा पॉइंट आप लोगों को ये भी याद रखना होगा कि इसकी इस साल की थीम क्या है आखिर। इससे अगर रिलेटिव कोई संधि हुई है तो उसे भी आप लोगों को याद रखना होगा। और अगर आप लोग देखिए इस तरह के टॉपिक आपके प्रीलिम्स, फिर चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या सिविल सर्विस का हो, उनके लिए महत्वपूर्ण हो ही जाता है। साथ में ही ये टॉपिक आपका मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण रहता है। और आप देखिए कि इस टॉपिक से आपके वन डे एग्जाम में तो कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपका यही क्वेश्चंस बन जाएगा कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना होगा 29 जुलाई को। और इस बार की अगर हम थीम की बात करें तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2021 की थीम है उनका अस्तित्व हमारे हाथ में, यानी कि उनका अस्तित्व हमारे हाथ में है, उनकी सुरक्षा हमारे हाथ में है। आजकल आप देखिए कि शेर को हमसे डर नहीं है, यानी कि शेर से हमें डर नहीं है, लेकिन शेर को हमसे डर जरूर है। आप देखते होंगे कि आजकल आप लोग सुनते रहते होंगे आए दिन कि शेर शहरों में दिखाई दिया है, या हाथी आपका शहरों में दिखाई दे रहा है, टाइगर आपका शहरों में दिखाई दे रहा है। असल में क्या है कि आप देखिए कि हम लोगों ने उनका जो आवास था वहां तक अपनी पहुंच बना ली है, अपने घर बना लिए हैं, तो वो जाए तो आखिर जाए कहाँ। समझ रहे हैं आप लोग? और याद रखिए, इस धरती पर जितना हमारा हक है उतना ही आपके पशु पक्षी जो भी हैं, और इसमें अगर संतुलन बिगड़ता है तो आप देखते हैं कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इसमें आपको बताऊं कि 2018 में आपने सुनी होगी जनगणना भी हुई थी, और 2022 में आप देखेंगे कि आपकी इन्हें इनकी टाइगर यानी कि बाघ की संख्या को दोगुना करने की बात की गई है। अब देखिए उस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बात बताएगा। लेकिन इस बार की आप लोगों को थीम जरूर याद रखनी है। प्रथम विश्व बाघ दिवस का आयोजन वर्ष 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग बाघ शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था। तो इस पॉइंट को जरूर आप लोग नोट्स कर लीजिए या आप लोग याद रख लीजिएगा। अब आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा आखिर है क्या। तो याद रखिए, सन 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बाघ संरक्षण मंच की एक बैठक विश्व के 13 टाइगर रेंज देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया था। इसमें कहने का सीधा सा मतलब है कि जो रूस का आपका सेंट पीटर्सबर्ग शहर है, यहाँ एक आपका क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय बाघ संरक्षण मंच हुआ था। और इसमें आप देखेंगे कि 13 टाइगर रेंज देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया था एक रणनीति बनाने के लिए। इस बैठक में शामिल सभी देशों में सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के तहत जारी ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम को लागू करने की सहमति व्यक्त की गई थी। और इस कार्यक्रम के तहत 13 TRC यानी कि टाइगर रेंज देशों ने वर्ष 2022 तक वैश्विक स्तर पर बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। आपने देखा है कि हमारे यहाँ काफी बढ़ोतरी हुई है पिछली बार से। इन 13 अगर देशों में हम लोग बात करें तो आपका भारत भी शामिल है। और याद रखिए, अगर इस तरह की कोई संधि होती है, कोई संस्था होती है, कोई आपकी एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, अगर उसमें भारत मेंबर है तो जरूर आप लोग याद रखा करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, रूस, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम सहित कुल 13 देश टाइगर रेंज कंट्रीज में शामिल हैं। अब देखिए, आपका यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस में पूछ लेगा कि जो आपकी 13 देशों की टाइगर रेंज कंट्रीज जो सम्मेलन हुआ था, जो संधि हुई थी एक तरह से, उसमें कौन, इनमें से कौन से देश शामिल हैं। और आपको चार ऑप्शन दे देगा,
इनमें से बोल देगा नीचे और दे देगा और कहेगा इनमें से एक दो तीन सही है, दो तीन सही है। तो आप लोगों को सभी देशों को भी याद रखना चाहिए, भारत शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, भूटान भी शामिल है, म्यांमार भी शामिल है, नेपाल भी शामिल है, रूस भी, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है, इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखेंगे आप लोग की आंकड़ों को भी देख लीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बाघ संगणना 2018 थी वो जुलाई 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी की गई थी। तो इसमें आप देखेंगे कि टोटल 2967 हमारे देश में बाघों की संख्या है। कितनी? 2967। इसमें अगर हम लोग पहले नंबर पर बात करें तो मध्य प्रदेश में 526 और कर्नाटक में आपकी 524, उत्तराखंड में 422 और महाराष्ट्र में आपकी 312 और तमिलनाडु में आप देखेंगे 264। यानी कि क्रमशः ये चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। तो टॉप थ्री को आप लोग याद रख सकते हैं, या फिर आप लोग अपने स्टेट के जो भी जितने भी हैं उन्हें भी याद रख सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इसी कारण मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर होने के कारण इसे टाइगर प्रदेश भी कहते हैं। समझ रहे हैं, मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश भी कहते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आपको मालूम होगा कि टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु भी है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। और याद रखिए इसका, आप समझ रहे हैं किसका प्रतीक है ये बाघ? देश की ताकत, गर्व, सतर्कता, बुद्धि और सहन शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, बाघ याद रखना चाहिए आपको वैसे। ठीक है, अगर हम बात करें बाघ की, बाघ संरक्षण की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? आप लोग किसी की संरक्षण या किसी की सुरक्षा ऐसे तो नहीं करेंगे अगर कोई उसका महत्व ना हो तो आप लोग छोड़ देंगे उसे। आज आपको वायु प्रदूषण की बात क्यों आ रही है सामने? जल प्रदूषण, जल को दूषित होने से बचाने की बात क्यों की जा रही है? आपने देखा है गंगा नदी की सफाई की बात हो और भी बाकी देश में जितनी भी नदियां हैं उनमें सफाई की बात हो, ये आखिर बात उठी क्यों है? क्योंकि आप देखिए स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा था, तो इसकी भी आवश्यकता होगी ना बाघ संरक्षण की। तो खाद्य श्रृंखला में बाघ शेष के जीवों में से एक है और जिस पर पूरा पारिस्थितिकी तंत्र निर्भर करता है। पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए बाघों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। अगर आप लोगों ने खाद्य श्रृंखला पढ़ी होगी, पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ा होगा, तो आप लोग बेहतर समझ पा रहे होंगे। आप लोग एक सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं सीधा सिविल सर्विस हो या स्टेट पीसीएस हो। बाघ एक अम्ब्रेला स्पीसीज है और इसके संरक्षण के माध्यम से अनगुलेट्स अर्थात खुले खुर वाले जीव, परागणकारी जीव और अन्य छोटे जानवरों की कई अन्य प्रजातियों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है। पिछले 100 वर्षों में वैश्विक स्तर पर बाघों की आबादी में भारी गिरावट देखने को मिली थी और कई क्षेत्रों में बाघ की आबादी पूर्णतः समाप्त भी हो चुकी थी। इनकी संख्या गिरने का कारण क्या है? आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि शिकार इनका ज्यादा होता है। समझ रहे हैं? और याद रखिए इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिए, IUCN लिस्ट रेड लिस्ट में बाघ को संकट ग्रस्त की सूची में शामिल किया गया है। संकट ग्रस्त की सूची में शामिल किया गया है यानी कि बाघ संकट में है। बाघ संरक्षण के लिए अगर कुछ उठाए गए कदमों की हम लोग बात करें तो 1969 में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की 10वीं आम सभा में बाघों की घटती आबादी का मुद्दा सबसे पहले उठाया गया था। कब? 1969 की बात है। पर आप देखेंगे 1970 के दशक में केंद्र सरकार की तरफ से बाघों के संरक्षण के प्रति एक मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता देखने को मिली और सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। कब? 1970 के दशक में। इसके बाद आप देखेंगे देश के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय उद्यानों और टाइगर रिजर्वों की स्थापना की गई है। आपके राज्य में भी देखने को मिलेगी आपको। राष्ट्रीय उद्यानों और टाइगर रिजर्वों की स्थापना के माध्यम से वन्य जीवों के संरक्षण हेतु विशेष प्रावधान किए गए जो देश के सामान्य वनों में संभव उपलब्ध नहीं थे। इसी दौरान सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर जैसे कुछ बड़े प्रयास भी शुरू हुए थे। और प्रोजेक्ट टाइगर से भी आपका क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, एक बार आप लोग प्रोजेक्ट टाइगर को देख लीजिए।
प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 1973 में की गई थी। कब? 1973 में। देश के प्रसिद्ध जीव विज्ञानी कैलाश शांखला को इस कार्यक्रम का पहला निदेशक नियुक्त किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत बाघ आबादी वाले राज्यों को बाघों के संरक्षण हेतु केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी। और याद रहे कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की समय में देश में मात्र 9 टाइगर रिजर्व थे और वर्तमान में आप देखेंगे कि 50 से अधिक हो चुके हैं। आप समझ रहे हैं, लगभग 50 से अधिक हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनके संरक्षण से हमें आखिर मिलेगा क्या। तो बाघ संरक्षण की परियोजनाओं से संबंधित क्षेत्रों के पारिस्थितिकी तंत्र, स्वच्छ जल, भूमि उर्वरता में सुधार में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला है। आजीविका की बात करें तो बाघों की संख्या बढ़ने और टाइगर रिजर्व के बेहतर प्रबंधन में से पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आप देखते हैं कि अगर आपके राज्य में अगर कहीं इस तरह का टाइगर प्रोजेक्ट है तो आप देखेंगे वहाँ लोग घूमने भी आते होंगे, बाहरी लोग भी घूमने आते होंगे, लोकल के लोग भी घूमने जाते होंगे। और ऐसे बहुत से लोगों को रोजगार के नए विकल्प उपलब्ध हुए जिनकी पारंपरिक आजीविका संरक्षण परियोजनाओं से प्रभावित हुई थी। संरक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय उद्यानों और टाइगर रिजर्वों में वृक्षों की संख्या में वृद्धि से पर्यावरण में उत्सर्जन कार्बन को कुछ सीमा तक कम करने में सहायता प्राप्त हुई है। आप देखिए, अगर हमने पृथ्वी पर अगर कोई पृथ्वी को नुकसान पहुंचाता है तो वो है मानव, वरना आप सोचिए कि पृथ्वी में इतनी अपनी प्रकृति में इतनी क्षमता है कि वो अपनी जो भी उसमें बिगड़ मतलब इसमें नुकसान होता है उसकी भरपाई करता रहता है। और देखिए आप लोग कि कोई भी पशु हो वो नुकसान भी कम ही पहुंचाता है, लेकिन मानव बड़ा लालची तरह का होता है। अब बात कर लीजिए चुनौतियों की, कि बाघों के संरक्षण में चुनौतियां आखिर क्या हैं, इनकी संख्या में गिरावट के कारण क्या है। तो सबसे पहले तो आपसे सोचिए, अवैध शिकार लंबे समय से बाघों को शिकार शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता रहा है। आप लोगों ने राजा महाराजाओं के बारे में भी पढ़ा होगा, वो भी शिकार करते थे। साथ ही बाघों के शरीर के प्रत्येक हिस्से का बाजार में अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। आप लोगों ने इस पर बनी कई मूवियां भी देखी होगी, जिसमें आपने देखा होगा कि एक तरह से इनका अवैध व्यापार भी होता है। एक बार आप लोग देख लीजिए, ये है आपके बाघ, दिखाई दे रहा है, यही है बाघ, इसे ही कहते हैं बाघ। और व्यक्तिगत और कारणों से बड़े पैमाने पर बाघों का शिकार किया जाता है। और आप देखते हैं कि मानव प्रकृति संघर्ष, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक विकास और अनियंत्रित शहरीकरण के कारण वन्य जीवों के प्रवास क्षेत्र का लगातार ह्रास हो रहा है। आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि आपके बचपन में आपके आसपास ही बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, जंगल हुआ करते थे, आज आप देखिए वहाँ घर बन चुके हैं, वहाँ एक समय जानवर रहा करते थे, वहाँ हम लोग रह रहे हैं। तो आप देखिए कि इस तरह का संघर्ष होता रहता है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या में वृद्धि तो हुई है, परंतु प्राकृतिक प्रवास स्थान के क्षरण के कारण बाघों को बहुत ही छोटे से क्षेत्र में सीमित रहना पड़ रहा है। बाघों की संख्या में आप देखिए 2018 की जो जनगणना हुई थी, एक तरह से गणना हुई थी, उसमें संख्या में जरूर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वो जहाँ रहते हैं वो कम होता जा रहा है, स्थान उनका आवास कम होता जा रहा है, क्योंकि हम लेते जा रहे हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर भारत और दक्षिण के कुछ राज्यों में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, परंतु पूर्वोत्तर भारत और देश के कुछ अन्य हिस्सों में बाघों की आबादी में गिरावट देखी गई है। याद रहे कि वर्तमान में भारत के 3 टाइगर रिजर्व, मिजोरम का दंपा अभयारण्य, पश्चिम बंगाल का बुक्सा अभयारण्य और झारखंड के पलामू अभयारण्य में एक भी बाघ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति रही है। हाल के वर्षों में सरकार ने वन्य जीवों वन्य क्षेत्रों में विनिर्माण परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन से जुड़ी मंजूरी देने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है, जिसके कारण वन्य क्षेत्रों के निकट औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। अभी आप देखिए कि आपको कहीं काम करना होता था जंगल में तो वहां परमिशन लेना आपको बहुत कठिन थी, लेकिन सरकार ने हाल ही में इसे बहुत ही सरल बना दिया है, तो अब आसानी से आप लोग एक तरह से वहां से स्वीकार भी कर सकते हैं, परमिशन भी ले सकते हैं और काम भी करवा सकते हैं। टाइगर रिजर्व के बीच संपर्क मार्गों की स्थिति का ठीक ना होना,
भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बाघों के संरक्षण के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में बाघों की आबादी के बीच जीन पूल का हस्तांतरण बहुत आवश्यक भी है। इसमें आगे की राय क्या हो सकती है? तो देश के बाघ आबादी के संरक्षण और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए टाइगर रिजर्वों को जोड़ने हेतु आरक्षित बाघ गलियारों का निर्माण या फिर सड़क या फिर रेल परियोजनाओं के लिए भूमिगत मार्गों का निर्माण किया जाना चाहिए। यानी कि आप देखिए कि कहीं से टाइगर रिजर्व है वहाँ और आप देखेंगे उसी से मार्ग जा रहा है, या फिर रेल, ये रेल जो निकलती है वो भी गुजर रही है, तो आप देखते हैं कि कई उसमें रेल की चपेट में आने के कारण भी मारे जाते हैं। हाथियों के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। वन्य क्षेत्रों के निकट किसी भी परियोजना की शुरुआत के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन के साथ अन्य पहलुओं की व्यापक जांच की जानी चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे देश में कितना भ्रष्टाचार है। आसानी से आप लोग कुछ पैसे की लेन देन करके कितनी भी बड़ी गलती हो उसे छुपा देते हैं और परमिशन, और इसी का एक तरह से आप समझ सकते हैं। बाघ के संरक्षण के प्रयासों में कानूनी प्रावधान और तकनीकी विशेषज्ञता के साथ स्थानीय लोगों का भी सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो वहाँ स्थानीय लोग होते हैं। और सरकार को संरक्षण योजनाओं से प्रभावित आवासीय स्थानांतरण, भूमि अधिग्रहण या फिर अन्य कारण से आजीविका पर प्रभाव, समुदायों उचित मुआवजे के साथ रोजगार उपलब्ध कराने की प्रयास करना चाहिए, जिससे वनों पर लोगों की निर्भरता को कम किया जा सके और वनों को बचाया जा सके। जलवायु जलवायु परिवर्तन के कारण हाल के वर्षों में हो रहे प्राकृतिक बदलाव को देखते हुए बाघ संरक्षण परियोजनाओं में भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप आवश्यक बदलाव करना होगा। और आप लोग भी कभी, आप देखते हैं कि आप लोग बर्थडे जन्मदिन मनाते हैं अपना, तो कम से कम आप देखिए कि लाखों रुपए फूंक देते हैं एक दिन की पार्टी के लिए, तो एक दो आप लोग पेड़ भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं क्या? और आप सोचिए कि पेड़ जब तक रहेगा तब तक आपकी याद भी रहेगी कि उसने लगाया था ये पेड़, तो ऐसा किया करिएगा। और आप देखेंगे कि पेड़ लगाना नहीं है केवल उसकी, देखिए आप लोग की करोड़ों में आप देखते हैं फंडिंग होती है, प्रोजेक्ट आते हैं पेड़ लगाने के लिए, लेकिन लगाने के बाद सरकार भूल जाती है तो आगे वो बढ़ नहीं पाते हैं। मैं कहता हूँ एक पेड़ लगाइए लेकिन उसकी उसे बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसे, एक तरह से बालक अपने घर में आप देखते हैं ना कि बच्चे की सुरक्षा करते हैं, ख्याल रखा जाता है, तो उस तरह ख्याल रखना होगा। और एक काम आप लोग आराम से कर सकते हैं, आपने अपने घर के बगल में या आपका खेत है वहाँ भी आप लोग लगा सकते हैं। खेत नहीं है तो कहीं और इस तरह की कोई जगह ढूंढ सकते हैं और किसी और से आप लोग कह सकते हैं, तो इस तरह के काम करते रहा करिएगा। इस पर्यावरण या ये पृथ्वी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, एक तरह से लोन है एक तरह से, और जितना हम लोग चुका दें उतना अच्छा है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। खैर यही आप लोग याद रखिएगा बाघ, विश्व बाघ दिवस के रूप में। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है कि आराम से आप लोग उसका आंसर भी दे पाएंगे, फिर चाहे वो मुख्य परीक्षा में हो या फिर आपका वैकल्पिक क्वेश्चन हो। ठीक है,